हाय दोस्तों, मैं हूँ भीम यादव। मैं आज आपको सेल्स के बारे में बताऊंगा और आइटम्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं और उन सबके नाम कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। पांच सेल्स होते हैं और उन सबके सबसे बीच में होता है एंड, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और सेल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पांच सेल्स होते हैं, उन सबके नाम होते हैं। के पहले वाले का के, दूसरे वाले का एल, तीसरे वाले का एम, चौथे वाले का एन और फिर पांचवे वाले का ओ। और हर एक के अंदर की कैपेसिटी होती है, कितना हम लोग भर सकते हैं। पहले वाला के, उसके अंदर हम लोग सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और फिर एल दूसरा वाला, दूसरे वाले में सिर्फ आठ ही भर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सबकी एक एक कैपेसिटी होती है। और तीसरा वाला एम, हम लोग एम में सिर्फ आठ या अठारह भर सकते हैं हम लोग। आठ तभी भरेंगे, ज़्यादा जरूरत हो तभी अठारह भरेंगे। अगर हम लोगों को अठारह भरना है तो आठ से ज़्यादा, पंद्रह नंबर से ज़्यादा बचना चाहिए। जब बचेगा पंद्रह से ज़्यादा तब हम लोग अठारह भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भरेंगे अठारह, आठ ही भरेंगे, फिर अगले वाले में चले जाएंगे। अगर पंद्रह बचा तो हम लोग भरेंगे, या पंद्रह से ज़्यादा अगर नहीं बचेगा तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, अगले वाले में जाएंगे, यानी एम में। एम में हम लोग अठारह या बत्तीस, इसमें भी वही होता है, अठारह से अगर ज़्यादा बचा हो तब हम लोग उसमें भर सकते हैं। और फिर एन, एन में हम लोग 32 भर सकते हैं, 18 या 32 भर सकते हैं। तो उसमें इतनी हर एक की कैपेसिटी होती, इतनी ही उसकी है तो हम लोग इतना ही भर सकते हैं। ओ, एक ही ओ है, उसमें हम लोग 64 भर सकते हैं। जब कोई ज़्यादा ज़रूरत आ जाए ना, हम लोग इनसे के एल एम एन इतने में ही हम लोग भरेंगे, जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो। जब ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग ओ में भरेंगे। और ओ में तभी भर सकते हैं जब ज़्यादा ज़रूरत हो। ओ में 64 भर सकते हैं, इसकी इतनी पावर है कि 64 भर सकते हैं और तभी हम लोग भरेंगे जब ज़्यादा ज़रूरत हो। आपको पता है ये सब जो है, ये सब छोटे मोटे हैं और ये ओ बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग ज़्यादा भरेंगे, इसीलिए हम लोग इसको ज़रूरत के ही टाइम पर यूज़ करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, के एल एम एन ओ में कैसे भरेंगे, ये सब अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आगे स्टूडेंट एकेडमी पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, एंड आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में यस या नो दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप वेरी गुड भी डाल सकते हैं। बस।